नमस्कार मित्रों, FY BSc सेमिस्टर 1 जेना सब्जेक्ट इलेक्टिव पेपर ना MCQs अबाउट एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो आ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री ना MCQs ना पार्ट 2 मा आजे वधु 10 प्रश्नों साथे आ वीडियो आपनी समक्ष मूकी रह्यो छुं। मित्रों, आशा राखु छु के आ सर्वे बधा ज मारा वीडियो आगामी ऑनलाइन एक्जामिनेशन में आप सर्वे मित्रों ने खूब खूब मददरूप थई शकशे। अने एवी आशा साथे स्टार्ट करीए छे MCQs पार्ट 2 ऑन फर्टिलाइजर्स सब्जेक्ट इलेक्टिव। तो मित्रों, शुरू करीए छे आजना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स। जेमा पहलो क्वेश्चन छे, नीचेनामांथी कोणे सौ प्रथम रासायणिक खातरनो उपयोग कर्यो हतो? मित्रों, फर्टिलाइजर्स अने इन्सेक्टिसाइड्स आ बन्ने एग्रीकल्चर केमिस्ट्रीमां समाविष्ट एवा चेप्टरो जेमा केटलाक वैज्ञानिको अने एमनी शोधो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछावानी शक्यताओ रहेली छे। एटले आ प्रश्न में क्वेश्चन 1 ना रूप में अहीं मूक्यो छे, नीचेनामांथी कोणे सौ प्रथम रासायणिक खातरनो उपयोग कर्यो हतो? केनेम डिग्बी, लिबिंग, हेबर के ज़िडलर अने मुलर साइंटिस्ट ना नाम छे। तो मित्रों, करेक्ट आंसर छे जवाब ए, केनेम डिग्बी। आ वैज्ञानिके सौ प्रथम वक्त आ व्यक्तिए सौ प्रथम वक्त रासायणिक खातरनो उपयोग कर्यो हतो। त्यार पछी क्वेश्चन नंबर 2, नीचेनामांथी कया प्राथमिक पोषक तत्वो छे? ऑप्शन ए कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन फॉस्फरस अने पोटेशियम, ऑप्शन सी जिंक मॉलिब्डिनम अने एफी के ऑप्शन डी सी एच अने ओ। तो आमांथी प्राथमिक पोषक तत्वो छे मित्रों, ए करेक्ट आंसर छे बी, नाइट्रोजन फॉस्फरस अने पोटेशियम, जेने फर्टिलाइजरना चेप्टरमां प्राथमिक पोषक तत्वो तरीके वर्णवामां आवे छे। हवे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, नीचेनामांथी कया गौण के द्वितीयक पोषक तत्वो छे? तो गौण के द्वितीयक पोषक तत्वो आमांथी ऑप्शन ए बी सी के डी। तो करेक्ट आंसर छे ऑप्शन ए, कैल्शियम मैग्नेशियम अने सल्फर, जेने गौण अथवा द्वितीयक पोषक तत्वो तरीके ओळखवामां आवे छे। सो करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नीचेनामांथी कया सूक्ष्म पोषक तत्वो छे? मित्रों, अहींया सूक्ष्म पोषक तत्वो जेने ट्रेस एलिमेंट्स तरीके पण ओळखवामां आवे छे अथवा माइक्रो न्यूट्रिएंट तरीके पण ओळखवामां आवे छे, तो आवा सूक्ष्म पोषक तत्वो कया छे? ऑप्शन ए बी सी अथवा डी। तो करेक्ट आंसर छे मित्रों आंसर सी, जिंक मॉलिब्डिनम मैंगनीज अने बीजा घणा बधा छे, पण अहींया ऑप्शन में जिंक मॉलिब्डिनम अने मैंगनीज ऑप्शन सी ए करेक्ट आंसर छे। तो आ त्रण तत्वों छे एने सूक्ष्म पोषक तत्वों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तरीके ओळखवामां आवे छे। देन क्वेश्चन नंबर 5, जमीन में खातर उमेरवामां आवे छे कारण के? शा माटे जमीन में खातर उमेरवू पड़े छे? तो मित्रों, ऑप्शन ए पाक ने नुकसान न थाय एटला माटे, ऑप्शन बी पाक में रोग थतो अटकावे छे, ऑप्शन सी जमीन में भेजनू प्रमाण जाळवी राखे छे, के ऑप्शन डी जमीन की फलद्रुपता वधारे छे अने पोषक तत्वों की उणप पूरी पाड़े छे। तो मित्रों, खातर उमेरवाथी शू फायदो थाय छे? शा माटे आपणे खातर उमेरीए छीए जमीन में? तो करेक्ट आंसर इज डी, कारण के खातर जमीन की फलद्रुपता पण वधारे छे अने पोषक तत्वों की उणप पण पूरी पाड़े छे। तो साचो जवाब डी छे। देन
क्वेश्चन नंबर 6, योग्य खातरनो उपयोग जमीननी पीएच केटली जाळवी राखे छे। मित्रों खातरनो आ एक सरस उपयोग छे। खातर फक्त जमीनने फळद्रुप बनावे छे अने पोषक तत्वोनी उणप पूरी पाड़े छे, एटलू ज नहीं पण जमीननी पीएच पण मेंटेन करे छे। एटले अहींया योग्य खातर जो लेवामां आवे तो जमीननी पीएच केटली जाळवी राखे छे। खरेखर योग्य खातर होय तो ए जमीननी पीएच ने केटली मेंटेन करे छे। ऑप्शन ए 2:4, 3:5, 5:7 के 7:8। तो करेक्ट आंसर छे ऑप्शन डी, 7-8 जेटली पीएच जाळवी राखे छे। तो मित्रों योग्य खातरनो जो उपयोग करिए तो आपणी जमीननी पीएच जे छे ए 7-8 जेटली मेंटेन राखे छे। क्वेश्चन नंबर 7, जमीन में नाइट्रोजननी उणपने कारणे कई असरो जोवा मळे छे। मित्रों जमीन में नाइट्रोजननी उणप वर्ताय तो एनाथी जमीन में अथवा छोड उपर के पाक उपर शुं असरो जोवा मळे छे? छोडनी वृद्धि अटके छे अने पान पीळा पड़े छे, छोडनी वृद्धि वधे छे अने पान पीळा पड़े छे, मूळतंत्रनो विकास अटके छे के पान खरी पड़े छे? तो करेक्ट आंसर छे आंसर ए, जो जमीन में नाइट्रोजननी उणप होय तो छोडनी वृद्धि अटकी जाय छे अने छोडना पान पीळा पड़ी जाय छे। देन क्वेश्चन नंबर 8, जमीन में फॉस्फरसनी उणपना कारणे कई असरो जोवा मळे छे? तो फॉस्फरसनी उणपथी पण जमीननी वृद्धि अटके छे अने पान पीळा पड़े छे, के छोडनी वृद्धि वधे छे अने पान पीळा पड़े छे, मूळतंत्रनो विकास अटके छे के पान खरी पड़े छे? तो मित्रों फॉस्फरसनी उणपथी आंसर सी, एटले के मूळतंत्रनो विकास अटकी जाय छे। जो जमीन में फॉस्फरसनी उणप होय एटले के ओछो होय अथवा न होय तो ए पाकना अथवा छोड़ना मूळतंत्रनो विकास अटकी जाय छे अने छेवटे पाक नाश पामे छे अथवा सुकाई जाय छे। तो करेक्ट आंसर इज सी। त्यार पछी क्वेश्चन नंबर 9, जमीन में पोटेशियम जो के एटले के पोटेशियमनी उणप होय तो एना कारणे कई असरो जोवा मळे छे? तो आमां करेक्ट आंसर छे डी, जो जमीन में पोटेशियमनी उणप होय तो पाकना पान सफेद लीला के कथाई रंगना बनी जाय छे। ओके देन छेल्लो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, जमीन में कैल्शियमनी उणपने कारणे कई असरो जोवा मळे छे? जो मित्रों जमीन में कैल्शियमनी उणप वर्ताती होय तो ऑप्शन ए नवा पान नाश पामे छे, छोडनी वृद्धि वधे छे अने पान पीळा पड़े छे, मूळतंत्रनो विकास अटकी जाय छे के पाकना पान सफेद लीला के कथ्थाई रंगना बनी जाय छे? तो कैल्शियमनी जो उणप हशे तो करेक्ट आंसर इज ए, नवा पान नाश पामे छे। एटले के छोड उपर नवा पान बेसता होय तो ए बैठेला नवा पान थोड़ा दिवसोमां नाश पामी जाय छे अने छेल्ले ए नवा छोड़ जे नानो छोड़ छे एनी वृद्धि थती नथी, एटले के छेल्ले वृद्धि अटकी जाय छे। परंतु प्राथमिक लक्षणोमां कैल्शियमनी उणप वर्ताय तो नवा पान नाश पामे छे, एटले करेक्ट आंसर ए छे। तो मित्रों आ प्रकारे वधु 10 नवा प्रश्नो आ MCQs पार्ट 2 માં મુકતા હું ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવું છું અને આશા રાખું છું કે આપ સર્વે મિત્રો જે લોકો BSc સેમેસ્ટર 1 માં અભ્યાસ કરે છે અને ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું એક છેલ્લું પેપર તમારે સબ્જેક્ટ ઇલેક્ટિવનું જે બાકી રહી ગયું છે એમાં મલ્ટીપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચનમાં આ વિડીયોઝ મારા અને વિડીયોની શ્રેણી જે મૂકી રહ્યો છું આપની સામે આખા ચેપ્ટરની એ તમામ પ્રશ્નો તમને મદદરૂપ થાય એવી અપેક્ષા સાથે વિરમું છું। થેન્ક યુ।